करण बालू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि कैसी रही है जर्नी इतने दिन फिल्म इंडस्ट्री में काटे, क्या क्या कितना? बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी अभी तक। 5 साल हुए मुझे इंडस्ट्री में और बहुत कुछ सीखा है मैंने इस इंडस्ट्री से। एंड एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो आई थिंक आई हैव चेंज्ड अ लॉट आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर। एक्टर बनने के बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत बदलाव हुए हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया एक्टर बनने का और आगे बहुत कुछ अचीव करना है, तो मैं मेहनत करने के लिए राज़ी हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, और अमेरिका में मैं बिज़नेस पढ़ रहा था एंड वहाँ पर 1 साल की नौकरी करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर मी। मुझे मज़ा नहीं आया उसमें, मैं बोर हो गया और मैं इंडिया वापस आ गया फिल्मों में कुछ करने के लिए। ये पता नहीं था कि एक्टिंग करनी है, डायरेक्शन करनी है, देखना काम। 2-3 महीने उनके साथ बिताने के बाद मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो ऑफ़र, और मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं ये ऑफ़र ले लूँगा और ट्राई करूँगा कि एक्टिंग होते हैं। तो मुझे वो ऑफ़र बहुत ही अट्रैक्टिव लगा और मैंने साइन कर ली फिल्म। तब जाकर मैंने डिसाइड किया कि अब ये जी यही लाइन मेरी ज़िंदगी के लिए है या नहीं, और फिर देखा जाएगा क्या होता है। नहीं, मैंने वो प्रेशर कभी, आई डोंट नो, क्योंकि मैं ज़्यादा इनसिक्योर इंसान हो ही नहीं। अभी अमेरिका में रहकर बहुत ही एक इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग रही है मेरी, बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक। मैंने अपने आप को फिल्मों में कभी कनेक्ट नहीं किया। जब खुद ऑफ़र आया तब मैंने फिल्म साइन की। अब मेरे मन में आने की वजह थी नहीं, क्योंकि मैं उस टाइप का इंसान हो ही नहीं, लेकिन मुझे अपने आप को प्रूव करना था, तो दैट इज़ वाई मैंने मेहनत। लेकिन ये प्रेशर कभी मेरे मन में आया नहीं।